रचना, तुम आ गई। वैसे तुम कहाँ गई थी? अरे हम ही हैं, तुम्हारे दोस्त। क्यूट एंजल, क्यूट एंजल। इतने दिनों से हम एक लड़के से बात कर रहे थे, क्या हुआ कुंजन? हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। वो मार्केट में वो रचना, ये क्या हुआ तुम्हें? हाँ ये क्या हालत बना रखी है? और तुम्हारे बाल, वैसे खुले बाल काफी अच्छे लग रहे हैं तुम पर। वैसे तुम आज बहुत बहुत प्यारी लग रही हो, खुले बाल, आंखों में काजल। रचना एक मिनट रुको, परेशान हो, घबराई क्यों लग रही हो? कुछ नहीं भैया, हम ठीक है, बिल्कुल ठीक है हम। ठीक, लेकिन अपना हुलिया जरा सुधार ले, क्योंकि चारों के घर वाले आने वाले हैं। और वैसे भी चारों के आने के बाद सभी नजरें उसी पे टिकी होंगी, लेकिन फिर मेहमानों के सामने जरा ठीक ठाक लगना जरूरी है, ठीक है? जी भैया। नेट फ्रेंड ही सही, लेकिन है तो तुम्हारे फ्रेंड ना। रचना, तुम तो वहां से इतना तेज भागी कि तुम्हारे साथ साथ भागना हमारे लिए भी मुश्किल हो गया। भागते नहीं तो क्या करते जाया? उसने हमारा हाथ पकड़ लिया, हमारी तो जान ही निकल गई थी। तुमने आज हमें बचा लिया, वरना ना जाने आज क्या हो जाता। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इन लफंगों से कैसे निपटा जाता है यह हमें अच्छे से आता है। हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, इतने दिनों से हम एक लड़के से बात कर रहे थे। तो क्या हुआ, जानबूझकर थोड़ी ना कर रही थी? लेकिन एक बात बता, ये जानकर तुम्हें खुशी हो रही है या फिर गुस्सा आ रहा है कि लड़के भी तुम पे दिलचस्पी रखते हैं? बोल बोल। चुप कर जा, हमारी यहाँ जान निकली जा रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अच्छा बाबा, नहीं छेड़ती। वैसे तो वो तभी समझ जाता अगर तुम उसे एक जोर का तमाचा लगाती, और अब जब तुमने साफ साफ कह ही दिया है कि तुम्हें दोस्ती नहीं करनी, तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। वैसे भी वो मयंक भैया का दोस्त है, हमें नहीं लगता कि तुम्हें परेशान करेगा। उसकी शामत आई है क्या? सच है, अभी वो हमें परेशान नहीं करेगा। और नहीं तो क्या, तुम चिंता मत करो। अरे इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, खामुखा आप लोगों ने तकलीफ की, और हम कोई मेहमान थोड़ी ना है। हा? जी हाँ बहन जी, चारू तो जैसे इस घर की बेटी है। काश मम्मा होती, मैं भी हंसती खेलती और परिवार के साथ खुशियां मनाती। आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई मम्मा? कुंजन बेटा बैठो। अरे भाई आप लोग परोसना तो शुरू कीजिए, चलिए।
नंबर। क्या हो बेटा, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं माँ, वो पानी चाहिए। पानी? अच्छा अच्छा, नीचे ना। थैंक यू। वेलकम जी। है तो दोनों हम उम्र, लेकिन कितना फर्क है दोनों में। चारू कितनी संस्कारी है और गुंजन सिद्धी बदतमीज, एकदम बिगड़ैल। जेठ जी, वो चारू के मम्मी पापा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ, बोलिए, क्या बात है? दरअसल हम इस शहर में नए हैं, लेकिन इस परिवार के साथ जो हमारी रिश्तेदारी है वो बहुत पुरानी। आपके परिवार में पहले से हमारी एक बेटी है। भगवान झूठ ना बुलाए, हमारी बेटी संगीता आपके परिवार में बहुत खुश है। और भाई साहब, हम अपनी छोटी बेटी के लिए भी यही खुशी चाहते हैं। अगर आपके परिवार को कोई एतराज ना हो तो हम अपनी बेटी चारू का हाथ आपके मयंक के हाथ में देना चाहते हैं। देखिए भाई साहब, आपकी बेटी चारू बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की। लेकिन बात फिर भी शादी की, इसलिए हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए। दरअसल हम प्रभु और सीमा से इस बारे में चर्चा करना चाहते हैं। उसके बाद हम आपको अवश्य बता देंगे कि हम सब की क्या राय है। जेठी, हमें चारू बहुत पसंद है और मयंक के लिए ये बहुत ही अच्छी लड़की है। बिल्कुल राम जी और सीता मैया जी की जोड़ी लगते हैं दोनों साथ में। क्यों जी, हम सही कह रहे हैं ना? हाँ अब भाई साहब, चारू हम सबको पसंद है और मयंक के लिए। मयंक, तुम्हारे माता पिता और घर के बाकी लोगों को चारू बहुत पसंद, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है तुम्हारी पसंद। तुम बताओ, क्या तुम्हें यह रिश्ता स्वीकार है? ताऊजी, मैं क्या बोलूं? ताऊजी, जैसे आप सबकी इच्छा, मेरी पसंद तो आप सबकी पसंद में है। जी जी, आपकी क्या राय? हाँ बिल्कुल, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद है तो हमें क्या एतराज हो सकता है। ठीक है, तो फिर जब सभी को चारू पसंद है और मयंक को भी चारू पसंद है, तो फिर इस रिश्ते के लिए हमारी भी अनुमति। संगीता, हमने मिठाई पहले से निकाल के रखी है, लेकर आओ और सबका मुंह मीठा कर। जी दीदी, बस अभी लेकर आए। Thank you.
गुंजन बेटा लो, तुम भी मुंह मीठा करो। लो बेटा लो। दीदी अब जब सारी बातें पक्की हो गई हैं, तो शुभकाम में देरी क्यों? अगर जेठ जी की अनुमति हो तो एक दो दिन में ही सगाई। ठीक है, अगर सबको इस बात से सहमति है तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम परसों ही सगाई की रस्म कर देते हैं। अब हमें इजाजत दीजिए दयाल साहब। जी आइए। अच्छा तो दयाल साहब, सगाई की तैयारी भी करनी है और समय भी बहुत कम है। अरे मयंक बेटा, वो आशीर्वाद लो ना। चारू तू भी जा बेटा। अरे क्या, सॉरी गलती से हो गया। चारू के रूप में हमें बहुत ही सुंदर और सुशील बहू मिल रही है, वरना आजकल की लड़कियां तो बस पूछिए ही मत। चलो चारू बेटा। आबिद चल, बहुत काम है। रचना बेटा कहाँ जा रहे हो? वो मम्मी हमें नींद आ रही है ना, तो हम सोने जा रहे हैं। अरे तुम ऐसे कैसे सोने जा सकती हो? कितना सारा काम पड़ा है, चलो हमारी मदद करो। तुम भी गुंजन, चलो चलो तुम दोनों टेबल साफ करो और सारे बर्तन रसोई घर में रख दो। बोलो। पता नहीं कैसे गिर गई हमसे। हम भी साफ कर देते हैं। अरे रचना तुम जाओ आराम करो, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं हम कर देते हैं, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। इट्स ओके, जाओ। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जी मम्मी, हम ठीक है। दीदी आज बाहर गई थी ना, तो बच्चे जरा थक गई होगी। हाँ जाओ आराम करो। जी दीदी, ये सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है कि हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ
सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, इसलिए हमें सारी तैयारियां अभी से शुरू कर देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब एक काम करते हैं दीदी, सबसे पहले ना सफाई से शुरू करते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। गुंजन बेटा जी, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, मेरा काम हो गया, मैं आती हूँ। अब गुंजन दीदी देखिए ना गुंजन को, ये कोई बात है भला? सारे परिवार ने हमें मुबारकबाद दी है मयंक के रिश्ते के लिए, सिवाय गुंजन के। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इस जस्ट दैट मुझे लगा कि आप लोग सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं इतनी बड़ी गुड न्यूज को, तो मैं आप लोगों के बीच में आकर क्या करती? वैसे भी ये आपकी फैमिली का मामला है तो। गुंजन ये तुम क्या कह रही हो बेटा, तुम भी हमारे परिवार की एक सदस्य हो, जैसे रचना है बिल्कुल वैसे। चलो चाची को मुबारकबाद दो, चलो जल्दी। मुबारक हो चाची। इसे क्या हुआ? वैसे एक बात कहें दीदी, बुरा मत मानिएगा, आपकी ये जो भांजी है ना थोड़ी अजीब है, ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो, कहीं फिर से। हमारा मतलब है उस बच्चे ने अपनी माँ खोई है, उसे थोड़ा सा और वक्त दो, वो ठीक हो जाएगी। दीदी हम तो वैसा ही कर रहे हैं, आप तो देख ही रही हैं, जैसा व्यवहार हम अपने बच्चों के साथ करते हैं वैसा ही गुंजन के साथ भी करते हैं। वो अलग बात है कि वो हमारा आदर करे या नहीं, हम तो। वैसे तुम आज बहुत से तुम आज बहुत है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। खुले बाल, खुले बाल, आंखों में काजल, आंखों में काजल, आंखों में काजल। रचना मैं सुबह से देख रही हूं तुम काफी परेशान लग रही हो, क्या बात है, तुम क्या छुपा रही हो? रचना बताओ ना क्या हुआ, तुम शाम को भी काफी डरी हुई लग रही थी, बोलो रचना। अपने दोस्त से मिले बिना ही जा रही हो रचना? हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो।